जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे बालों में रूसी क्यों हो जाती है? रूसी यानी डैंड्रफ, कुछ लोग इसको फिहास भी बोलते हैं। तो ये डैंड्रफ हमारे बालों में क्यों हो जाती है, इससे हमारे बालों को नुकसान क्या होता है और इसको हम अपने बालों से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो ज़रूर आपको इस वीडियो का फ़ायदा भी मिलेगा और आपको समझ में भी आएगा। देखिए, हमारे सिर में, हमारे बालों में रूसी होने के कई कारण होते हैं। सबसे नंबर एक, हार्मोन्स की गड़बड़ी। जैसे लंबे समय से कोई बीमार है या किसी वजह से ज़्यादा दवाइयाँ खाता है तो हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, उनकी वजह से सिर में रूसी हो जाती है। नंबर दो, सिर में तेल बिल्कुल मत नहीं लगाना। कुछ लोग सिर में कभी भी तेल नहीं लगाते हैं और जब आप कभी भी तेल नहीं लगाएंगे तो सिर की स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है और जो हमारा नेचुरल तेल होता है सिर के अंदर का, वो पसीने के रूप में या चिपचिपे कणों के रूप में बाहर निकलने लगता है, उनकी वजह से हमारे सिर में रूसी हो जाती है। नंबर तीन, बालों की अच्छे तरीके से समय पर सफाई नहीं करना। जब आप बालों को ढंग से समय समय पर धोएंगे नहीं, उनको स्वच्छ और साफ नहीं रखेंगे तो बालों में रूसी हो जाती है। तो ये तो थे कारण बालों में रूसी होने के। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस रूसी को बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इससे नुकसान क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ रूसी या फिहास या डैंड्रफ से नुकसान हमारे बालों को क्या होता है। देखिए, जब हमारे सिर में या हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाती है तो सबसे पहले हमारे बाल एकदम रूखे हो जाते हैं, बेजान टाइप के हो जाते हैं, हमारे बालों की चमक एकदम ख़त्म होने लगती है। उसके अलावा हमारे बालों में बालों के झड़ने टूटने की समस्या पैदा हो जाती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए, यानी कि इसको दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें कुछ प्रयास करने होते हैं और मैं आपको घरेलू प्रयास बता रही हूँ, घरेलू उपचार बता रही हूँ। यदि आप करके देखेंगे तो आप निश्चय आपको फ़ायदा दिखेगा। देखिए, जब ज़्यादा डैंड्रफ हमारे बालों में हो जाए, ऐसे तो डैंड्रफ वाले शैम्पू भी बहुत आते हैं, लेकिन जब आप शैम्पू जिस समय तक यूज करते रहेंगे तभी तक उसका फ़ायदा रहता है और उसके बाद में दोबारा से डैंड्रफ हो जाता है। तो शैम्पू यूज न करके अपने बालों में, जब भी आप शैम्पू करते हैं, कोई भी शैम्पू आप करते हैं, जरूरी नहीं कि आप डैंड्रफ के लिए डैंड्रफ का शैम्पू लाएं, आप कोई भी शैम्पू करें, अपने बालों में शैम्पू करते समय आधे नींबू का रस लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए और उस 5 मिनट में जब आप नहा ही रहे हैं तो अपने हाथ पैर साफ कर लीजिए और जैसे ही 5 मिनट के बाद में आप अपने बालों को धो लीजिए। इससे काफ़ी हद तक आपको इस डैंड्रफ से निजात मिलेगी। जब भी आप अपने बालों में मेहंदी लगाएं, उस मेहंदी में आप आधे नींबू का रस जरूर मिक्स करें और अपने सिर पे लगाएं, इससे भी आपको डैंड्रफ से मुक्ति मिलेगी। और सबसे सटीक, सबसे कारगर, सबसे आसान और सबसे सस्ता उपाय, हर घर में अरहर की दाल बनती है, तो आप दाल को बनाने से पहले भिगो दीजिए और कम से कम उसको एक लोटा पानी में भिगोइए, यानी कि उस दाल से छानने के बाद में एक लोटा पानी निकल आए, इतने पानी में भिगोइए और आधा पौन घंटा जब हो जाए दाल को भीगते हुए, उसको बहुत अच्छी तरीके से मसल मसल के हाथ से उसी पानी में अच्छे से मसलिए आप और फिर उस पानी को छान के आप अलग कर लीजिए। फिर जब आप अपने बालों में शैम्पू करेंगे तो शैम्पू करने के बाद में, जब आप शैम्पू करने के बाद अच्छे से अपने बालों को पानी से धो चुके, उसके बाद वही दाल का पानी अच्छी तरीके से अपने पूरे सिर में आपको मलना है और फिर आपको ऊपर से सादा पानी नहीं डालना है। ये अगर आप 40 दिन तक लगातार करेंगे, अगर आपको हल्की फुल्की डैंड्रफ है तब तो 2 से 3 बार में ही ख़त्म हो जाएगी और अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है किसी दवाई के साइड इफ़ेक्ट के कारण या हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण, इतनी ज़्यादा है कि परत पे परत बन गई है आपके सिर में,
तो आप 40 दिन तक ये दाल वाला प्रयोग करिए, यानी कि 40 बार जब आप बाल धोएंगे उतनी बार प्रयोग करिए, तो देखना जड़ से आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा और आपके बालों में एक अच्छी सी चमक आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए, और प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा, तभी किसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।